इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है और उसके बाद भोजूबीर तिराहा, कचहरी चौराहा, सांस्कृतिक सकुल हुकुलगंज, चौका घाट, संपूर्ण मुख्य द्वार, जगतगंज, पुलिस लाइन तिराहा, गोलघर तिराहा होते हुए यहाँ पर वो मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से विश्वनाथ धाम तक पीएम ने रोड शो किया और उसके बाद वो दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं, जहां पूरे विधि विधान के साथ वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 के सियासी दंगल से पहले 45वीं बार काशी के दौरे पर पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, 28 किलोमीटर का रोड शो किया, 38 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से विश्वनाथ धाम तक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद प्रधानमंत्री आज काशी आए और उसके बाद उन्होंने वहां पर रोड शो किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जो तस्वीरें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 45वीं बार काशी के दौरे पर पीएम मोदी आज पहुंचे हैं, 28 किलोमीटर का रोड शो किया गया, 38 जगहों पर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर विश्वनाथ धाम तक पीएम का रोड शो देखने को यहां पर मिला है। काशी का कायाकल्प किया गया है, तीसरी बार विजय का संकल्प यहां पर लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद यहां पर यह रोड शो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, सांस्कृतिक संकुल हुकुलगंज, चौका घाट, संपूर्णानंद मुख्य द्वार, जगतगंज, पुलिस लाइन तिराहा, गोलघर तिराहा, कचे। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। उपेंद्र, दर्शन पूजन का कार्यक्रम अब होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से दर्शन होंगे, क्या पूजा की विधि वहां पर रहेगी और इसके बाद के क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपटाचार विधि से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे और फिलहाल प्रधानमंत्री मंदिर पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद हम गर्भगृह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद होंगे और वहां प्रधानमंत्री जो है गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन करेंगे। सोपटाचार विधि से जो अभिजित मंत्र होते हैं उससे बाबा विश्वनाथ की आराधना करेंगे, उनसे अभिषेक करेंगे, दही से अभिषेक करेंगे, दूध से अभिषेक करेंगे, घृत से अभिषेक करेंगे, सहस से अभिषेक करेंगे, गंगा जल से अभिषेक करेंगे, बाबा को चंदन लगाएंगे, बाबा को जनेऊ पहनाएंगे, बाबा को रुद्राक्ष पहनाएंगे और फिर आपको प्रसाद रूपी बाबा का जो चंदन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी माथे पर नजर आएगा। तो ये करीब अब कुछ देर ये पूजा चलेगी, करीब 20 से 25 मिनट पूजा चलेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से फिर वापस इस रूट पर आते हुए वापस फिर जाएंगे वो लहरतारा से फिर प्रधानमंत्री का लहरतारा में स्वागत है, लहरतारा चौराहे पर। उसके बाद प्रधानमंत्री फिर बनारस जो स्टेशन है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है और बनारस स्टेशन के बाद बरेका में फिर स्वागत है। वहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ लोगों को बुलाया गया है, कुछ सीनियर लीडर्स हैं वहाँ पर जिनसे प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और फिर प्रधानमंत्री वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह भी एक मीटिंग है जिसमें पन्ना प्रमुख बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग है और उसके बाद जो चर्चा है वो ये कि प्रधानमंत्री कहीं किसी योजना के निरीक्षण पर भी निकल सकते हैं, उसमें तमाम सारी योजना है, चाहे वो नमो घाट हो, चाहे सिग्रा स्टेडियम हो, चाहे वो रोपवे का निर्माण स्थल है काशी विद्यापीठ, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं, तो ये निरीक्षण भी प्रधानमंत्री का हो सकता है। तो फिलहाल तो अभी प्रधानमंत्री यहाँ से बरेका जाएंगे और उसके बाद की तस्वीरें साफ होगी। आज रात में निरीक्षण की उम्मीद कम है, सुबह के ही निरीक्षण की उम्मीद ज़्यादा लगाई जा रही है, हालांकि निरीक्षण का कोई कार्यक्रम
औपचारिक नहीं होता है, ना सरकारी औपचारिक कार्यक्रम इसमें है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इस बात की भी इनपुट है, इस बात की भी चर्चा है। पुलिस प्रशासन ने तमाम सारी जो अपनी बैकअप की तैयारियां हैं वो भी कर ली हैं और फिलहाल अभी यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पूरे कॉरिडोर को निहार रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना था जो हकीकत में बदला, और जिस हकीकत में बदलने के बाद देश ही नहीं दुनिया से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हर त्यौहार, हर तीज त्यौहार पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कल ही 10 लाख से ज़्यादा भक्तों ने शिवरात्रि पर दर्शन किए, पिछली बार 8 लाख, इस बार 10 लाख, तो लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप भी कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे, अभी प्रधानमंत्री मोदी ही पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए हों? हाँ जी सर, दिल्ली से आए। तो आपने क्या सुना था बनारस के बारे में और यहाँ आकर क्या देखा आपने, क्या पाया? सर हमने देखा था बनारस के बारे में, सुना था कि एक शिव जी का गढ़ है ये, और ये मोदी जी का गढ़ है। मोदी जी का तो गढ़ है, बाबा का है, सांसद है। कितनी बड़ी बात है कि मोदी जी जहाँ से सांसद हुआ आज वहाँ प्रधानमंत्री बनकर के सांसद बनने जाए, तीसरे बार भी। जब तक वो रहे तब तक मोदी जी ही रहे, ये तो आशीर्वाद है। आपको बनारस में साफ सफाई, गलियाँ साफ सफाई सब दिखा, सब मिला आपको? सर यहाँ पे जितनी सफाई हमने देखी है ना, हमें कहता हूँ कंपैरिजन था नहीं, मतलब जो हमने सुना था पहले सब चीजों को ना, यहाँ बनारस ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। जो यहाँ की हेरिटेज सिटी है, जैसे जो हर चीज को बनाया गया, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, यहाँ के जो यहाँ के खाने पीने की चीजें हैं सब ऑथेंटिक है। यहाँ पे वो चीज बना के मुंबई में गए तो वहाँ पे हमारे को खाने की बहुत असुविधा हुई, सब कुछ इतना कॉस्टली था, और यहाँ इतना इकोनॉमिकल है कि हाँ एक मिडिल क्लास आदमी अच्छे से अफोर्ड कर सकता है हर चीज। हमेशा खाना चलता भी है। आप विश्वनाथ मंदिर में, अन्नपूर्णा माता वाले में जाएंगी, दो दो जगह खाना फ्री में मिलता है। अभी हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन, अब खा लीजिएगा, कल जाइएगा तो जरूर खाइएगा। रसोई चलती है अन्नपूर्णा की, रसोई चलती है उनकी। लोग हैं जो काशी को लेकर अपने अनुभव बता रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि प्रधानमंत्री का बाबा विश्वनाथ के आंगन में पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां से पूजन अर्चन करने के बाद प्रधानमंत्री लहुरा वहीं से वापस इसी चौराहे से होते हुए फिर जाएंगे प्रधानमंत्री लहरतारा में। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, और लहरतारा से फिर जो अगला स्वागत है वो बनारस स्टेशन पर है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का बरेका में एक स्वागत होगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री इसी तरीके से यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बरेका पहुंचेंगे, और बरेका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस पर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भ